शराब ठेकेदार के कर्मचारियों की पिटाई से हुई युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को जय संगठन के मृतक के परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश दर्ज कराते हुए इस हत्याकांड में कर्मचारियों के साथ शराब ठेकेदार को भी मुख्य आरोपी बनाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान कलेक्टर के नहीं आने पर मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया। एसडीएम और अपर कलेक्टर से मिलने के बाद कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़ गए। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कलेक्टर जब मिलने नहीं आए तो नाराज जैस कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर ज्ञापन रख लौट गए। नाराज पदाधिकारियों ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि कलेक्टर के पास आदिवासियों से मिलने का समय नहीं, बाहरी राज्यों के लोग आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं। प्रशासन यदि शराब ठेकेदार को आरोपी नहीं बनाता और आबकारी अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही नहीं होती है तो जैस उग्र आंदोलन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हमारे पास खेती आड़ी तो है ही नहीं, मर आदमी धड़की धंधू कर लाइन पूरा न क्यों पेट भर रहा। हमारे पास खेती आड़ी तो है ही नहीं, काई धंधू कर दे काई भी अत्र छोटो मोटो धंधो करीन पुरान को पेट पोस रहला है। पुरान को पेट कौन भर से, मारा पाँच बच्चा थे ओका पालन पोषण सरकार मारा ही नहीं, मारा आदमी तो सरकार तरफ से दिए जाए। क्या नाम है आपका? राधा। अवे शराब खुद बेच रहे हैं, खुद एक ठेके का लाइसेंस लेकर चार चार ठेके खरगोन के अंदर चलाया जा रहा है। आज अभिषेक तिवारी क्या कर रहा है? आबकारी विभाग का अधिकारी बना बैठा है और आपके कार्यकाल में और किसी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा और दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। तो हम अभिषेक तिवारी पर भी कार्रवाई चाहते हैं और यहाँ पर हमारे आज भाई के ऊपर कार्रवाई हुई, उनकी छोटे छोटे पांच बच्चे है उनके पास कुछ नहीं है, जीवन का सहारा के लिए एक मजदूरी करते थे। शासन प्रशासन जिम्मेदारी ले और 1 करोड़ का मुआवजा दे और जो मुख्य ठेकेदार है, जो मेन ठेकेदार, उसको 302 के मुकदमे में मुख्य आरोपी बनाकर और उसके जितने भी ठेके हैं उसको आज के आज सील किए जाए और उसके सारे लाइसेंस रद्द किए जाए। मैं सुभाष पटेल लिखता हूं, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष खरगोन। आज से 2 दिन पहले रविवार को हमारा आदिवासी भाई खरगोन की ओर गाड़ी लेकर आ रहे थे तो जो शराब माफिया है, शराब ठेकेदार है, उसके लोगों ने बुलेरो से रोककर और दोनों लोगों को पीटा गया और एक जो युवक था भाग गया और एक युवक को पीट पीट कर दौड़ दौड़ कर उसको मार दिया गया। और आज हम ज्ञापन के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए तो कलेक्टर साहब यहाँ पर हमारे ज्ञापन लेने तक नहीं आए। क्या ये बाहुल्य जिला है आदिवासियों का? आज आदिवासियों की क्या सुनवाई हो रही है? हम कहते हैं कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, आज आदिवासी पैदल चल के 30-35 किलोमीटर से आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं पर कलेक्टर साहब यहाँ पर हमसे मिलने तक नहीं आए। हमारा सामाजिक संगठन आदिवासी परिवार समझेगा कि कलेक्टर महोदय आदिवासी विरोधी कलेक्टर बैठा है। हम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे और उसमें बताएंगे कि हमारे आज आदिवासियों के ऊपर परिवार आज न्याय के लिए खरगोन सेक्टर खरगोन आया, क्या कहना चाहोगे? आज 2 दिन पहले शराब माफिया ठेकेदारों के द्वारा, उनके गुंडों द्वारा एक आदिवासी युवक की हत्या हो जाती है। उस संबंध में जयस एवं सर्व आदिवासी समाज न्याय दिलाने के लिए कलेक्टर साहब से मुहिम के लिए आए थे। कलेक्टर साहब आदिवासी समाज का ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए। इस संबंध में उनके कलेक्टर साहब के जो मानसिकता है इससे यह समझ में आता है कि कलेक्टर साहब आदिवासी विरोधी है। खरगोन जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसके बावजूद भी कलेक्टर साहब आदिवासी की आवाज़ नहीं सुन रहे, इसलिए जेएस खरगोन और समस्त आदिवासी संगठन के नेतृत्व में 4 दिन के अंदर जिले में उग्र आंदोलन होने वाला है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अभी जिस तरीके से आपसे जिम सर ने ज्ञापन देने आए थे, आपसे बातचीत आपको बताया कि 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जिन कर्मचारियों द्वारा हत्या की गई उनके ऊपर तो कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है शराब ठेके के ठेकेदार, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई करवाना है। और हमारी दूसरी मांग ये है कि यूपी बिहार अन्य राज्यों के जितने भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ खरगोन जिले में काम कर रहे हैं उनको तत्काल बाहर निकाला जाए। गोलू खोड़े, जय जिलाध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।